हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम हलवाई स्टाइल शादियों जैसा टेस्ट वाला गाजर का हलवा, वो भी बिल्कुल नए तरीके से, बिना खोया, मिल्क पाउडर, चीनी और गुड़ का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ आधा कप दूध से बनाएंगे, और वो भी एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा। हलवा बनाने के लिए 500 से 550 ग्राम जितनी गाजर ली है, इसे हम पहले पील कर लेते हैं। एकदम हल्का हाथ से इसे इस तरह से पील कर लेना है ताकि इसका छिलका ज्यादा नहीं निकले। गाजर को पील करके पानी से अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसे कट कर लेते हैं। गाजर का हलवा बनाते हैं तो कई लोग इसे कद्दूकस करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन आज हम घंटों का काम मिनटों में करेंगे। इस तरह से इसे स्लाइस कर लेंगे। इस तरह से हम गाजर को कट करके हलवा बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी से एकदम इंस्टेंटली हलवा बन के रेडी हो जाता है। इस तरह से हम गाजर को चॉप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हलवा बनाने के लिए जब भी आप गाजर खरीदें तो इस बात का ध्यान रखना है कि गाजर में व्हाइट पार्ट जो आता है वो इस तरह से दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम छोटा है, इसका पार्ट एकदम छोटा है। वैसी गाजर हमें लेना है। अगर व्हाइट पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, वैसी गाजर हम लेंगे, तो ये लाल कलर का गाजर का हिस्सा है वो बहुत ही कम रहेगा, और व्हाइट हिस्सा गाजर में बहुत ज्यादा रहेगा। उसी से आप गाजर का हलवा बनाएंगे तो वो इतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं इसमें एकदम छोटा सा है व्हाइट पार्ट, सिर्फ इतना सा ही है। कुकर में 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। 1/4 कप जितना घी मैंने डाला है, घी गर्म हो गया है। 1/3 कप काजू बादाम और पिस्ता है, इसे हम घी में डाल के फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। ये थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। यही घी में हम गाजर डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। 3 हरी इलायची को खोल के इसके दाने डालेंगे, छिलका हम निकाल लेंगे। 2 पिंच केसर डालेंगे। केसर डालना ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं, पर इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। गाजर को लगातार चला के भूनेंगे। घी में भूनने से हलवा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, हलवा का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए गाजर को घी में भून लिया है, और आप देख सकते हैं गाजर का कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। केसर डालने की वजह से गाजर का कलर एकदम चेंज हो जाता है और बहुत ही अच्छा कलर आता है। 1/4 कप मलाई डालेंगे। 1/2 कप दूध डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 सीटी तक इसे कुक कर लेते हैं। हलवा में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसके बदले में मैंने यहाँ पे लिया है खड़ी शक्कर। इस तरह का पत्थर मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, इसे खड़ी शक्कर कहते हैं। चीनी के हिसाब से ये ज्यादा हेल्दी रहती है। इसे हम तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। खड़ी शक्कर को तोड़ के एकदम छोटा छोटा पीस कर दिया है इस तरह का। कुकर ठंडा हो गया है, अच्छे से चला लेंगे। गाजर अच्छे से कुक हो गई है, आप देख सकते हैं। गैस चालू कर देंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे और इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। इसे हमें मैशर से मैश नहीं करना है, इस तरह से हम इसे मैश करेंगे तो जैसे कद्दूकस की है वैसा टेक्सचर इसका आएगा। और इस तरह से इसे दबा के थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे। गाजर को अच्छे से मैश कर दिया है, और आप देख सकते हैं इस तरह से हम मैश करते हैं तो गाजर में थोड़ा थोड़ा चंक्स भी रहता है, तो ये खाने में अच्छा लगेगा। दूध पूरा सूख जाए तब तक हम इसे कुक कर लेते हैं। दूध काफी सारा सूख गया है। 1/3 कप खड़ी शक्कर डालेंगे। खड़ी शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से चला के कुक करेंगे।
शक्कर का भी पानी बनता है, तो ये पानी सूख जाए तब तक हम इसे कुक कर लेते हैं। चीनी का पानी भी काफी सारा सूख गया है। 75 ग्राम पनीर कद्दूकस करके डालेंगे, बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस करके डालना है। पनीर हमें मलाई पनीर लेना है, जो एकदम सॉफ्ट वाला आता है वो। ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे वो डाल देंगे, थोड़ा मैंने बचा के रखा है गार्निशिंग के लिए। पनीर डालने के बाद लगातार चला के 2 मिनट के लिए तेज आंच पे कुक किया है। पनीर डालने के बाद ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। हलवा में पनीर डालने से हलवा एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। लास्ट में घी डालने से हलवा में शाइनिंग अच्छी आएगी। हलवा रेडी है, गैस ऑफ कर देते हैं। थोड़े ड्राई फ्रूट हमने बचा के रखे थे, इसे हम गार्निश करेंगे। ऊपर डालेंगे टूटी फ्रूटी। शादियों वाला हलवा ही स्टाइल गाजर का हलवा रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।